Good morning, all of you. We have done some basic concept, and also today I'm going to explain some more basic concept like liability, goods, solvent, insolvent, etc. So first of all, the first point is liability. Liability क्या होती है? Amount which the firm owes to outsider. यानी कि एक ऐसा amount जो firm को outsider को pay करना है. यानी कि वो अभी हमने या हमारे बिजनेस ने अभी पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी. तो जो लायबिलिटी है, इसकी जो फॉर्म होंगी, इसकी जो फर्स्ट टाइप है, जैसे देखिए इंटरनल लायबिलिटी. लायबिलिटी के अंदर एक इंटरनल लायबिलिटी होगी, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो हमें हमारे ओनर्स को पे करनी हो. यानी कि जो इंटरनल लायबिलिटी होगी, हमारे जो ओनर्स हैं उनकी देनदारी, उनकी लायबिलिटी, हमें उनको कोई अमाउंट पे करना हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी. ऐसे ही सेकंड लायबिलिटी जो होगी, इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि ऐसी कोई देनदारी जो हमें किसी बाहर के व्यक्ति को पे करनी हो. जैसे देखिए क्रेडिटर्स, जो हमारे लेनदार हैं, जिन्होंने हमसे अमाउंट लेना है. हमने लास्ट वीडियो में किया था क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार. तो जो क्रेडिटर्स हैं उनको जो हमें अमाउंट पे करना है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी. यानी कि ऐसी कोई देनदारी जो हमें किसी बाहर के व्यक्ति को देनी हो. ऐसे ही लोन्स, कोई हमने बिजनेस के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया, तो उस लोन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा उसको. तो वो भी क्या बोली जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स. गुड्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. यानी कि वो सभी वस्तुएं जो कि हमने क्या किया, परचेज की हैं, किसके लिए? रीसेल के लिए. यानी कि उनको दोबारा से रीसेल करने के लिए हमने परचेज किया. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक ट्रेडर है फर्नीचर का. तो फर्नीचर के ट्रेडर ने क्या किया, उसने सोफा सेट और बेड खरीदी. तो उसके लिए वो क्या होगी, क्योंकि वो एक ट्रेडर है और उसने वो जो वस्तुएं खरीदी, सोफा सेट और बेड्स, वो रीसेल करने के लिए खरीदे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गुड्स. तो उस ट्रेडर के लिए वो क्या है? गुड्स हैं. लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति या कोई कस्टमर उसमें से कोई एक सोफा सेट या एक बेड खरीद लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या होगा? उस व्यक्ति के लिए वो बोली जाएगी एसेट, ना के गुड्स. तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने यूज के लिए कोई सोफा सेट खरीदता है या कोई वस्तु खरीदता है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट. लेकिन अगर कोई ट्रेडर उसको रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदता है कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स या फिर सामान. नेक्स्ट है इनसोल्वेंट. इनसोल्वेंट क्या होगा? हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो डेट हैं, जो उसकी देनदारियां हैं, उनको पे करने की पोजीशन में नहीं है. जिनके उनको पे करने की पोजीशन में वो नहीं है. फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है पर्सन एक्स. एक्स जो उसकी देनदारियां थी, जो उसके डेब्ट्स थे, जो उसने उधार ले रखा था कोई सामान, तो उस उधारी को वो अभी चुकाने में सक्षम नहीं है. वो उसको नहीं चुका पाएगा, पोजीशन में नहीं है वो कि उसको डेब्ट को चुका पाए. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसोल्वेंट. नेक्स्ट है हमारा सोलवेंट क्या होता है. सोलवेंट मीन्स हु इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट. यानी कि जो अपने डेब्ट को पे करने की पोजिशन में है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, बेसिक टर्म, लायबिलिटी, गुड्स, इनसोलवेंट और सोलवेंट. अब हम एक नेक्स्ट टर्म करेंगे, नेक्स्ट टर्म सपोज बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? डूबत ऋण. इनको अगर हम हिंदी में बोले तो हम इनको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण. यानी कि ऐसे ऋण जो डूब गए हों. सपोज फॉर एग्जांपल हमने किसी व्यक्ति को सपोज 5000 का सामान सेल किया. हमारा बिजनेस है और हमने क्या किया, 5000 का सामान उसको सेल किया. अब इन 5000 में से सपोज हमारे पास 3000 का जो कैश है वो तो आ जाता है, लेकिन 2000 हमारे पास अभी नहीं आते. यानी कि उस
कस्टमर ने जिसने हमसे 5,000 का सामान परचेज किया था उसने उसमें से 3,000 तो पे कर दिए लेकिन 2,000 रुपीज अभी पे नहीं किए, ये अभी पेंडिंग है, तो वो हम किस में डाल देंगे, बैड डेट्स में डाल देंगे, डूबत ऋण में, यानी कि ऐसे ऋण जो हमारे डूबने डूब चुके हैं, जिनके डूबने के चांसेस हैं, लेकिन हम इनको ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास कभी नहीं आएंगे, हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास 1 साल बाद आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद आ जाए, हो सकता है 4 साल बाद आ जाए, तो मीन्स ये बैड डेट्स हैं, ठीक है, तो इनको हम किस में डालेंगे, बैड डेट्स में डालेंगे, डूबत ऋण जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री में भी कुछ इसमें हम इंक्लूड क्या क्या करेंगे इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर देखिए सबसे पहला है हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान। अब सपोज मेरे पास ये चोक है, अब ये चोक है तो इस चोक के लिए, इस चोक को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी चूने की, तो जो वो चूना होगा उस चूने को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। तो इस चूने, इस चोक को बनाने के लिए जो चूना होगा उस चूने को हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल या फिर कच्चा सामान। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, रॉ मटेरियल को इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो ये चोक था, अब इस चोक को, इस चोक को जब हमने बनाया होगा तो हमने क्या किया होगा, इस चोक को हमने मशीन में डाला, या इस चोक को बनाने के लिए जो चूना होगा उस चूने को हमने क्या किया होगा, उसको मशीनों में डालना होगा, और मशीनों में डालने के बाद फिर क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा। यानी कि जब ये इस चोक के लिए चूने को मशीनों में डाला गया और मशीनों में डालने के बाद जब वो आउटपुट बन के बाहर निकला तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि इस चोक को बनाने का जो काम है वो अभी चला हुआ है, ये ना तो अभी फिनिश्ड गुड है ना ये अभी रॉ मटेरियल है, ये किसमें है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, इसको हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड भी बोल सकते हैं, यानी कि जो वर्क है वो अभी प्रोग्रेस में है। तो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री में शामिल करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को भी इन्वेंट्री में शामिल करेंगे, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड पॉइंट है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि ऐसा सामान जो बनके तैयार हो गया है, ऐसा सामान जो बनके तैयार हो गया है, फिनिश्ड गुड है एंड रेडी है सेल के लिए। अब सपोज ये चोक है, जो जब इसका चूना था हमारे पास तो उसको हमने बोला था रॉ मटेरियल, जब इस चूने को हमने मशीनों में डाला तो मशीनों में डालने के रिगार्डिंग ये क्या हुआ, आउटपुट बनके बाहर निकला, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद ये कंप्लीट चोक बनके बाहर तैयार हो गया, यानी कि हमारे पास ये आउटपुट आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड, यानी कि ऐसा सामान जो सेल करने के लिए रेडी है या यूज करने के लिए रेडी है और हम इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं फिनिश्ड गुड। तो ये कंप्लीट पॉइंट था इन्वेंट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है कोस्ट, कोस्ट मींस लागत, कोस्ट मींस लागत। जैसे सपोज हमने भी एग्जांपल लिया था चोक को, चोक का एग्जांपल लिया था, जो इस चोक को बनाने में इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोस्ट आई होगी, लागत आई होगी। अब हो सकता है एक चोक को बनाने में 1 रुपीज की लागत आई हो, तो उसकी क्या बोली जाएगी, कोस्ट बोली जाएगी।
तो उस कॉस्ट में फिर क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को प्लस करने के बाद उसको सेल करेंगे, तो कॉस्ट को क्या बोलेंगे, लागत। सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, अब इस ब्लैक बोर्ड को पूरे को बनाने में सपोज 2000 की कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को ही क्या बोला जाएगा, इस ब्लैक बोर्ड की लागत बोला जाएगा कि हमें इस ब्लैक बोर्ड को बनाने में कितने अमाउंट खर्च करने पड़े। नेक्स्ट है हमारे पास रिवेन्यू। रिवेन्यू जब भी हम किसी वस्तु को सेल करते हैं तो उस वस्तु को सेल करने के बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, रिवेन्यू। जो सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था ब्लैक बोर्ड का, तो इस ब्लैक बोर्ड को बनाने में कॉस्ट आई थी हमारे पास 2000 की। हमारा बिजनेस है सपोज ब्लैक बोर्ड बनाने का, तो इस ब्लैक बोर्ड को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई, इस ब्लैक बोर्ड को बनाने में हमारी कॉस्ट आई 2000 की। लेकिन क्या हम इस ब्लैक बोर्ड को 2000 में सेल कर देंगे, नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ ना कुछ प्लस प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। सपोज हमने 200 का प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें हम इस अमाउंट को ऐड करने के बाद हम इसके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि हमने इसको टोटल सेल कितने का किया होगा, हमने इसको टोटल सेल किया होगा 2200, यानी कि 2200 का हमने इसको सेल किया, ये इसका रिवेन्यू है, यानी कि इसको सेल करने से हमारे पास जो अमाउंट आया उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के अंदर उसकी कॉस्ट भी शामिल होगी और उसका जो प्रॉफिट है वो भी शामिल होगा। तो रिवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। क्या बोलेंगे उसको, रिवेन्यू। तो हमने कुछ टर्म की, बेसिक अकाउंट्स कौन कौन सी, डेटर्स किया, क्रेडिटर किया, एसेट लायबिलिटी, और इसके अलावा हमने अभी इन्वेंट्री की, ठीक है। तो ये सभी जो टर्म हैं बहुत इम्पोर्टेंट है अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब इसके बाद हम अकाउंट्स के रूल करेंगे, तो उन रूल्स को करने से पहले एक बार इन अकाउंटिंग टर्म्स को बड़े अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। थैंक्स।